प्रिय विद्यार्थियों, रेडियो बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं अवयव में अगला अध्याय विस्मय अधिबोधक, जिसे आपने बहुत पिछली क्लासों में बहुत पढ़ा है। बहुत बार हम हमारे दैनिक जीवन में इसका अनायास प्रयोग करते भी हैं या हो जाता है, वही आज विस्मय अधिबोधक हम पढ़ रहे हैं। दो वाक्य दिए हुए हैं। अगर आपके साथी हो या किसी को चोट लगे और आप चोट को उसको अचानक देखते हो तो आप कहते हो, अरे तुम्हें चोट कैसे लगी। यह अरे चोट कैसे लगी, अचानक जो भाव उत्पन्न हुआ बोलने वाले के द्वारा, वो भाव एक आश्चर्य पैदा करता है हमारे अंदर। दूसरे में, वाह ये तो बहुत सुंदर बगीचा है। आप किसी गार्डन किसी बगीचे में गए और बगीचे को देखा, देखने के बाद आपके मुंह से अनायास निकला कि वाह ये तो बहुत सुंदर बगीचा है। तो इन जो शब्दों का हमने प्रयोग किया है, ये शब्द बोलने वाले से मुंह में या तो हर्ष या शोक, घृणा विस्मय आश्चर्य कुछ भी भावना प्रकट करते हैं, तब इन शब्दों को हम विस्मय अधिबोधक शब्द कहते हैं। उपयुक्त शब्दों के आधार पर ही अब एक परिभाषा देखिए इसकी। वे शब्द जो बोलने वाले या लिखने वाले के विस्मय, हर्ष, शोक, लज्जा, ग्लानी, खेद आदि मन के भावों को प्रकट करते हैं, उन्हें हम विस्मय अधिबोधक कहते हैं। कुछ विस्मय अधिबोधक मेरे द्वारा आपको बोर्ड पे समझाए जा रहे हैं, ताकि आपको बुक से करने होंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो बुक्स में हैं। पहला है आश्चर्यबोधक, इसमें अरे, अहो, ओह है। ऐसे शब्द हमारे जो मुंह से निकलते हैं वो आश्चर्य बोधक में आते हैं। जैसे यहाँ पर अरे निकला, तो ये आश्चर्य बोधक विस्मय अधिबोधक है। घृणा, किसी चीज को देखकर हमें मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं वो घृणा उत्पन्न होती है, उसमें छी, हट, अरे, थू आदि शब्दों का प्रयोग हमारे मुंह से अनायास होता है, किया जाता है, जो मन के भाव प्रकट हो जाते हैं। शोक, हाय, आह, अगर कोई दुखद घटना हो तो उसके प्रति हमारे मन में ये भाव उत्पन्न होते हैं। संबोधन बोधक, अरे, रे, अजी, हम किसी को बुला रहे हैं, किसी को पुकार रहे हैं तो उसका संबोधन करते हैं, तो हमारे मुंह से ये भाव उत्पन्न होते हैं। फिर है स्वीकृति बोधक, हमें किसी काम की स्वीकृति देनी होती है या लेनी होती है तो हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। हाँ, जी हाँ, अच्छा, ठीक, ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। फिर है हर्ष बोधक, बहुत ज़्यादा खुशी हमारे मन में उत्पन्न होती है तब ये भाव उत्पन्न होते हैं, वाह वाह, शाबाश इत्यादि। इस तरह से इन सभी शब्दों को हम विस्मय अधिबोधक शब्द कहते हैं, जो आज आपने पढ़ा है। बहुत सरल और आसान है, पिछली क्लासों में आपने भी खूब इसको पढ़ा है। अब इन दोनों ऑनलाइन क्लास के जो पिछले और जो ऑनलाइन क्लास है उसके अभ्यास कार्य आपको भेजे जाएंगे, वो आपको करने हैं। अगली ऑनलाइन क्लास में हम नए अध्याय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।